हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नॉट अ फेरी टेल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा हुआ होता है कि जियांग चंग जो है उसने जो वेव विजन है उसका मास्क निकाल दिया होता है और वो देखता है सच में वो वेव विजन ही है जिसका चेहरे को वो इतने सालों से याद कर रहा होता है। और फिर उसके चेहरे को हाथ में लेकर सहलाता है और फिर से बोलता है कि आप शिजोंग हो, मेरे वेव विजन हो, आप मेरे सेक्ट ब्रदर हो, प्लस आप मुझे हमेशा एडवाइस करते थे मेरे कल्टीवेशन में इम्प्रूव करने के लिए। आप खुद भी जो है बहुत ही हाई कल्टीवेटर हो, है ना। और सबसे बड़ी बात है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, पर मैं आपका कल्टीवेशन पार्टनर नहीं हूँ, आपका एक ऑलरेडी दूसरा कल्टीवेशन पार्टनर है। और मुझे बहुत दुख लगता है ये याद करके कि आपका कल्टीवेशन पार्टनर मैं नहीं हूँ। और आपके कल्टीवेशन पार्टनर से मैं बहुत एनवियस हूँ, मुझे उसको देख के बहुत ही मतलब एनवियस फील होता है। और ये सब बातें सुन के ना वेव विजन थोड़ा सा मतलब होता ना घबरा जाता है, उसका दिल धड़कने लगता है, वो एकदम होता ना एकदम क्या बोलते कांपते हुए स्वर में बोलता है कि बस हो गया, प्लीज़ बंद करो अब। तो वेव विजन बोलता है कि हो सकता है मैं तुम्हारा शिजोंग हूँ, पर मैं उसे भूल गया हूँ और मैं उन सबको किसी चीज़ को याद नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। मुझे पता है कुछ ज़रूर पेनफुल है, कुछ बहुत ही सैड है और शायद मैं जानबूझ के उसे भूल गया हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे परेशान मत करो। और मैं मेरा मतलब मेरा माइंड बोल रहा है कि मैं जानबूझ के ही ये सब चीज़ों को भूला हूँ। और जियांग चंग होता है ना वो वेव विजन की बात सुनता है और फिर वेव विजन की तरफ देख के बोलता है कि शिजोंग आपने कहा था कि मेरा कल्टिवेशन जो ऊपर हो जाएगा तो आप मुझे ना अपना स्पिरिचुअल टूल गिफ्ट करोगे, पर आप ऐसे ही चले गए, उसके लिए आप चले गए। मतलब आगे कुछ बोल पाता उससे पहले फील होता है कि उसके बॉडी में ना किसी ने कुछ ठंडा सा कुछ आइसी कुछ डाल दिया है और उसके तुरंत उसके मुंह से खून निकल जाता है और वो एक झटके से दूर जाके गिरता है। जब अपना चेहरा उठा के देखता है कि कौन क्या है तो देखता है कि बहुत ही बड़ा सा आदमी है जिसने मतलब पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा पहना है और मतलब होता ना मतलब वो देख के एविल ऑरा उसके आसपास आ रहा है। और जो जियांग चंग होता है वो उस पर्सन को कभी भूल नहीं पाएगा क्योंकि 13 साल पहले इसी पर्सन में लैंडसेक में तबाही की थी और लैंडसेक से जो होता ना उसके सीजोंग का जो तलवार है स्वीबियन उसको वहाँ से ले गया था वो, और उसे अच्छे से पता है कि ये कौन है, ये डेमन लॉर्ड है। फिर वो सोच रहा होता है कि भले ही उसने मेरे शिजोंग को रिसर्च किया हो पर उसे मतलब होता है ना कंट्रोल कर रहा है, उसे अपने अपने हाथों का एक ब्लेड बना के ना पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो हमला करना चाहता है। इसे देख के ना मतलब वे जो जियांग चंग है उसके चेहरे में ना डेमन लॉर्ड के खिलाफ एक अजीब सा नफरत आ जाता है। जो वेव विजन होता है ना वो भी लंजन को मतलब होता है ना ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसके एक्विपॉइंट्स जो है ना दबाए हुए होते हैं तो इसलिए वो मूव तो नहीं कर पाता है, पर जैसे ही वो लंजन को देखता है उसके प्रेजेंस फील कर पाता है, उसे फील होता है कि उसका बॉडी में जो एक्विपमेंट्स दबाए हुए अनसील हो गए हैं, वो दोबारा मूव कर पा रहा है, पर वो सच में मूव करता नहीं क्योंकि वो घबराया हुआ होता है, क्योंकि जो लंजन है इतना डरावना लग रहा होता है, मतलब इतना गुस्से में होता है। और मतलब वो आता है वेव विजन के सामने और उसे बोलता है कि तुमने फिर से मुझे फेल किया है। और जो वेव विजन है अपनी आँखें झुका लेता है, कुछ बोल नहीं पाता है। और जो लंजन होता है ना वो बोलता है ठीक है अपने स्वॉर्ड को उठाओ, और ये सुन के ना वेव विजन थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, पर वो फिर भी जैसा बोलते ना वैसे ही करता है, वो खड़ा होता है और अपने स्वॉर्ड को उठाता है। अब वो रेडी होता है कि उसके मास्टर जो पनिशमेंट देंगे वो पनिशमेंट एक्सेप्ट करेगा, पर होता अपोजिट ही है। लंजन जो है ना उसके पास आता है, उसके बालों को अपने हाथों से सहलाता है, उसके सर को सहलाता है और एकदम प्यार से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस और दे सकता हूँ। और ये बोल के ना वो एकदम आईसी जहर वाले नज़रों से वो जियांग चंग की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि इसे मार दो और मैं तुम्हें यहीं पर माफ़ कर दूँगा। और वेव विजन जो होता है वो जियांग चंग की बातों को मतलब जो जियांग चंग को देखता है और लंजन की बातों को मतलब सुन के ना वो वहीं पे स्टंड हो जाता है।
मतलब वो सोच रहा होता है कि मास्टर ने मुझे दोबारा चांस दिया है, पर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ कि मुझे पता है ये कौन है। इसलिए जो होता है ना, वे विजन मूव नहीं करता है, तो जियांग चेंग उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, और लंजन उसको देख के और चिढ़ जाता है। वो वे विजन की तरफ देखता है, एकदम कोल्ड वॉइस में बोलता है कि क्या क्या तुम ये नहीं कर सकते। और वे विजन की ना आवाज़ जो है ना, मतलब उसका सुन के आवाज़ कांप जाता है उसका रूह, क्योंकि वो कुछ भी हो जाए वो जियांग चेंग को मार नहीं सकता है। पर जब देखता है कि लंजन जो है ना अटैक करने के खुद मूड में है, अगर वो नहीं करेगा तो लंजन जो है ना आज जियांगचंग को मार देगा, इसलिए वो अपने आप को स्टीव करता है और बोलता है कि हाँ मास्टर, मैं इसे मार दूंगा। बोल के वो धीरे धीरे जियांगचंग की तरफ चल के जाने लगता है, और जो जियांगचंग होता है ना, वो बिल्कुल स्टीवली उनको देख रहा होता है। उसके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उसमें ऑलरेडी लंजन के स्वॉर्ड से चोट लगी होती है, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ऑलरेडी कर रहा होता है। ऊपर से जब भी जैसे ही लंजन सामने आता है, उसका कल्टीवेशन उसके बॉडी में सील्ड हो गया होता है, और मतलब जो डेमन लॉर्ड है उसके इतना ज़्यादा पावर होता है ना कि जियांग चांग चाह के भी उससे फाइट नहीं कर सकता है। इसलिए ना वो लंजन की तरफ हेटफुली देख रहा होता है। ऊपर से देखता है कि डेविल जो है वो उसके सीजों को, इतने प्रेस्टिजियस पर्सन को ऐसे ऑर्डर दे रहा है, नौकर जैसे ऑर्डर दे रहा है ना, उसका दिमाग एकदम गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है वो। अब जो है ना, जियांग चेंग जो है वो वे विजन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वे विजन धीरे धीरे ना जियांग चेंग के सामने आ गया होता है। पर जियांग चेंग मतलब सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं अगर इसे घायल भी करता हूँ तभी भी जो लंजन इसे जाने नहीं देगा, और ये मेरा शिजोंग है, मैं इसे मेरा मतलब ना शिडी है, मैं इसे मार नहीं सकता। बल्कि ना वे विजन बिल्कुल कन्फ्लिक्टेड होता है कि वो क्या करे, कैसे उस मुसीबत से मतलब बाहर आए। ऊपर से जो लंजन है उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जो जो जियांग चेंग है ना, वो सारी चीज़ें से समझ जाता है। उसे ऑलरेडी पता है कि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, अगर वो खुद अकेले अकेले काम नहीं करता, अपने मास्टर या जो टॉप लीडर्स हैं सेक्ट के उनको लेके आता, तो शायद वो शिजोंग को यहाँ से बचा के ले जा पाता, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से उसे पता है कि जो डेमोन लॉर्ड है उसे वहाँ से जाने देगा नहीं, उसे मरना तो है ही। ऊपर से जो वेव विजन को बोला है मारने के लिए उसे, वो वेव विजन का टेस्ट ले रहा है, डेमन लॉर्ड जो है ना वेव विजन का टेस्ट ले रहा है। तो जियांग चेंग सोच रहा होता है कि मुझे मरना ही है, तो मैं अपने शिजोंग के हाथ से मरना चाहूँगा, क्योंकि अगर शिजोंग ने उसे नहीं मारा तो वो डेमन लॉर्ड की आंखों में फेल्ड हो जाएगा, और उसके बाद डेमन लॉर्ड जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और उसे बहुत ज़्यादा ही पनिशमेंट करेंगे। तो सोच रहा है जब मरना ही है तो कम से कम अपने शिजोंग के लिए कुछ ऐसा गलत मतलब रास्ता ना छोड़ के जाऊं कि उससे उल्टा पनिशमेंट मिले। बस उसके मन में ना अब मरने के लिए तैयार होता है, उसके मन में बस एक ही रिग्रेट होता है कि काश मैं कुछ दिन पहले आपसे मिला होता और मैं कुछ कर पाता, जेन्युइनली कुछ कर पाता, क्योंकि अभी तो हम मिले हैं और अभी हमें दोबारा फिर से अलग होना पड़ रहा है। इसलिए वो आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके अपनी मौत के लिए इंतज़ार करने लगता है। और वेव विजन भी अपना स्वॉर्ड को आगे करता है और उसके नेक के पास लगाता है ताकि उसकी गला काट पाए, और उसके गले से ना सच में थोड़ा बहुत खून भी निकलने लगता है। वेव विजन सोच रहा होता है कि मैं इसे मार दूंगा, ऐसा दिखा रहा होता है अपने कन्फ्लिक्शन, ताकि लंजन जो है ऑब्जर्व करे वो समझ पाए। तो ऐसा दिखा रहा होता है कि मैं इसे मार दूंगा और मास्टर का फेवरेट बन जाऊंगा। और जब वो देखता है कि जियांग चेंग की आंखें बंद है, अपनी मौत के लिए वो रेडी है, ऊपर से उसे याद आता है कि कैसे गिरते समय उसने खुद की बॉडी से शील्ड किया था, और मतलब उसे इतना समय तो पता है कि जो जियांग चेंग है, जितना भी लड़ाई उसके साथ उसने 2 बार किया है, तो जियांग चेंग ने कभी भी घातक हमला उसके ऊपर किया नहीं है। अब उस खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, खुद को शील्ड कर रहा होता है, हमले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हमला नहीं कर रहा होता है। तो मतलब वो ऐसे सोच रहा होता है कि कौन सच है कौन गलत है, क्योंकि ये जो सामने इसके पर्सन खड़ा है ये भी झूठ नहीं बोल रहा है, वेव विजन इसको समझ पा रहा है, पर उसके मास्टर भी झूठ नहीं बोल रहे, बल्कि वो एक बार वेव विजन जो है ना, एक बार लंजन की तरफ देख रहा होता है, एक बार अपने मास्टर की तरफ देख रहा होता है। तभी वेव विजन ऐसे रिटर्न करता है कि उसे कुछ याद आ रहा है, अपने हेड को पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है और ऐसे कांपने लगता है, और वो बोल रहा होता कि नहीं नहीं मैं इसे नहीं मार सकता, मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। बोल के ऐसे ना वो धीरे धीरे कुछ कुछ बोल रहा होता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा,
मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं रिग्रेट करूँगा, मैं दोबारा प्रीवियस वाला पास जैसा गलती नहीं कर सकता किसी अपने को मारने का, मैं किसी अपने को खो नहीं सकता, है ना। ऐसा बोल बोल के ना वो मतलब ऐसा नीचे बैठ बैठ के मतलब कांपते हुए ऐसी चीज़ें बोल रहा होता है, घबरा रहा होता है, पैनिक अटैक आ रहा होता है उसे। वो सोच रहा होता है कि मैं अपने प्रीवियस मेमोरीज को याद नहीं करना चाहता, मैंने किसी रीज़न से ही उन्हें भुला है, मैं उसे दोबारा याद नहीं कर सकता। जो रंजन होता है वो सारी चीज़ें देख रहा होता है, अपने सामने जो जो भी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है उसे देख रहा होता है, उसकी आंखों के सामने एक हैवीनेस, एक थिकनेस आ जाती है और उसका एक्सप्रेशन और ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। वो बोल रहा होता है कि तुम हेजिटेट कर रहे हो, तुम हेजिटेट कर रहे हो उसे मारने के लिए। बेवजन तुमने मुझे मारने से पहले हेजिटेट क्यों नहीं किया, तुम्हारी आंखों में मैंने हेजिटेशन एक्सप्रेशन क्यों नहीं देखा, क्योंकि मुझे वो तुम्हारा एक्सप्रेशन याद है, तुम कितने डिटरमाइंड थे, तुम मुझे सच में जेन्युइनली मारना चाहते थे, पर अभी तुम इसे मारने के लिए हेजिटेट कर रहे हो, क्या तुम्हारी नज़र में ये पर्सन मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मतलब जो लंजना ना इस चीज़ से सोच रहा होता है, तभी उसके मन में एक बहुत ही गलत सा फीलिंग आता है, और जैसे वो फीलिंग आता है ना, वो देखता है कि वेवभूषण ने जंग चिंग का जो बांधा होता है उससे पावर से उससे खोल दिया है, अपने तलवार से काट दिया है, और काट के वो चिल्ला के बोलता है जंग चंग को कि तुम यहाँ से भाग जाओ। जंग चंग को लग रहा होता है कि वो तभी मरने ही वाला है, पर वो समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया है। वो डिसबिलीफ के साथ वेवभूषण की तरफ देखता है और देखता है कि मतलब उनके सामने जो पर्सन, उसकी आंखों में अजीब सा सैडनेस दिख रहा है, और मतलब जो वेव जो जंग चंग है ना, वो समझ जाता है कि भले शिजोंग कुछ बता नहीं रहा हूँ, पर शायद शिजोंग को कुछ तो याद आ गया है। और ये सोच के ना जंग चंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि चलो मास्टर, चलो गगा शिजोंग, हम यहाँ से चलते हैं प्लीज़। और इससे खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर, जो जंग चंग है ना खुश होते हुए बोलता है कि नहीं शिजोंग, चलिए हम साथ में चलेंगे, मैं आपको यहाँ पे इस डेविल के पास छोड़ के बिल्कुल ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ से गया आपको छोड़ के तो आपका जो फेट है ना वो मौत से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको कैसे छोड़ के यहाँ से भाग सकता हूँ। वे विजन जो होता है ना उसका बात सुनता है और एक अजीब से बिटर लाफ करता है, हंसता है बिटरली, और मतलब उस चांस में ना वो ज़ोर से जो जंग चंग होता है उसको मतलब उस एरिया से दूर ऐसे धक्का मारता है, झटका मारता है, वो दूर जाके गिरता है। ये जो होता है वेवभूषण का एक चांस दिया होता है जंग चंग के कि तुम मुझे छोड़ के यहाँ से भाग जाओ, पर जंग चंग उस चांस को लेता नहीं है, क्योंकि वो किसी भी हाल में ना वेवभूषण को पीछे जोड़ के नहीं जाना चाहता है, और वेवभूषण उसको माइंड नहीं करता है। वो वहीं पे अपना सर पकड़ के बैठ जाता है घुटनों के बल और रोने लगता है, और रंजन जो है ना उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसे समझ में आ जाता है कि उसे सब कुछ ही याद आ गया है, और मतलब वो पेन फील कर रहा है, वो सब कुछ समझ पा रहा होता है। ऊपर से जो रंजन है वो सब कुछ देख रहा होता है और दुखी हो रहा होता है कि आपको याद आ गया, आपको याद आ गया आपने कैसे मुझे मार दिया है, भले ही मतलब उतना आपने मेरे फिजिकल बॉडी को मार दिया था, पर मेरी आत्मा नहीं मरी थी, मैंने दोबारा अपनी बॉडी को रीबिल्ड किया है, और मैंने थोड़ा सा अपना अपीयरेंस को भी चेंज कर दिया है, और यही वजह होता है ना जंग चंग उसे पहचान नहीं पा रहा होता है। पर जो मोज मतलब जो वेइंग है और जो लंजा है, दोनों कल्टीवेशन पार्टनर्स होते हैं, उनका सोल्स आपस में कनेक्टेड होता है, क्योंकि वे सबसे ज़्यादा इंटीमेट होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए वेवभूषण जो है ना आफ्टर मेमोरी के बाद भी उसको पहचान जाता है, उसे पहचान जाता है कि जो सामने डेमोन लॉर्ड खड़ा है उसके अंदर जो सोल है वो उसके अपने कल्टीवेशन पार्टनर का है, उसके अपने हस्बैंड का है। और लंजन उसकी बातों को सुनता है उसको इनडिफरेंटली, वो बिना कुछ एक्सप्रेशन दिखाए अपने पावर से जो दूर के लिए जंग चंग को अपने पास खींच लेता है, और उसके अपने हाथों से ना उसे गला को दबा के उसको हवा में ऊपर लटका देता है।
और उसका गला थपड़ने से ना जंगचंग के मुंह से खून उल्टी हो जाती है, और मतलब वो देख पा रहा होता है कि वो डेमोन लॉर्ड जो है सच मारने के चक्कर में है बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि जेंचिंग को पता नहीं है कि वे विजन जो है उसे प्यार नहीं करता है, उसे भी पता है, और लंजन को भी अच्छे से पता है कि वे विजन जो है वो जेंचिंग को मानता है, उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए उसका जलसी जो है ना जेंचिंग की तरफ वो फालतू का ही है। पर वो प्रीवियस बर्थ में वो अपने जेलस नहीं होता था, क्योंकि उस समय ना जो वे विजन वो सबके साथ इंडिफरेंट होता था, वो उसे स्पेशली ट्रीट करता था। पर अभी जो है ना वो मतलब उसे उसके धोखे के बाद ना उसे लग रहा होता है कि वो जेंग चंग को ज़्यादा बेटर ट्रीट करता है, बल्कि वो अपने अंदर से अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो जेंग चंग को ना वहीं पर मार देना चाहता है। वे विजन देखता है कि वो लंजन जो है ना जियांग चंग को मार देगा, इसलिए अपने हाथों से उसे झटका मारता है, और सोच रहा होता है कि ये जियांग चंग को यहीं पे मार देगा, इसलिए एकदम प्लीड करते हुए एकदम रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि प्लीज़ उसे मत मारो। और इसकी ये बात सुनकर लंजन और गुस्सा हो जाता है, वो और गुस्से के साथ बोलता है कि तुम उसके लिए इतना ज़्यादा वोरीड हो, उससे बचाने के लिए इतना वरीड हो कि तुम्हारे मेमोरीज आने के बाद भी तुम उसे ही बचा रहे हो, तुम्हें ये क्या लगता है कि तुम उसे बचा पाओगे? तुम्हारा ये दुख देख के मुझे ऐसा फील हो रहा होता है कि जितना मैंने तुमको हार्टलेस सोचा था बीइंग, तुम इतने हार्टलेस नहीं हो, बस तुम्हारा जो अफेक्शन का पार्ट है वो मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। और फिर जो है ना जियांग चिंग बोल रहा है कि उसे छोड़ दो, उन्हें कुछ उसकी कोई गलती नहीं है, तो रंजन होता ना उसकी तरफ कुछ ध्यान ही नहीं देता है, वो वे विजन की तरफ देखता है और उसे बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों में से कौन कितना ज़्यादा पेन फील कर सकता है, क्योंकि दोनों को देख के ना मेरे दिल में बहुत ज़्यादा ही नफरत जाग रही है। बोल के ना जो जो रंजन है वो वे जो जियांग चिंग होता है उसे दूर झटके से फेंक देता है, और वो जाके दीवार में टकराता है, और जैसे दीवार में टकरा के ना जंग से नीचे गिरने वाला होता है, वे जो लंजन है अपने पावर से 4 नेल से उसे दीवार पे ही हुक कर देता है। जो वे विजन होता है ना वो बोलता है इसे जाने दो, तुम मुझसे नफरत करते हो, उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, और मुझे पता है तुम मुझसे करते हो नफरत, तो जो भी कुछ करना है मेरे साथ करो। तो जो लंजन होता है ना उसकी तरफ जाता है और जाके स्माइल करके बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे नहीं मारूंगा, आप चिंता मत करो। उसकी बात सुन के ना वे विजन स्तब्ध हो जाता है, उसे पता है कि लंजन लंजन जो है वो मारेगा तो नहीं जियांग चंग को, क्योंकि उसकी आंखों में ना कुछ और ज़्यादा ही सिनिस्टर दिख रहा होता है, और उसके जो क्या थॉट्स को कंफर्म करते हुए लंदन बोलता है कि मैं उसे पहले तो मारना चाहता था, पर मुझे लग रहा है कि मारने से भी ज़्यादा मैं उसको और सता सकता हूँ, मैं उसको मतलब ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि वो मरने से ज़्यादा बदतर समझेगा उसको ज़िंदगी को, और मरना ही पसंद करेगा, मेरे आदेश के बिना वो मर भी नहीं पाएगा। ये बातें सुन के ना विभीषण बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा मतलब ऐसे बदल क्यों गए हो, मुझे पता है मुझे रेस्ट्रिक्ट तुमने किया है, तुम मुझे दुनिया वापस लेके आए हो, पर तुम मुझसे इतना नफरत करते हो, मुझे उसका रीज़न भी पता है, पर तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा कितना देखना चाहता हूँ, और फाइनली मैंने तुम्हें देख लिया है ज़िंदा और सांस लेते हुए मेरे सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन, तो मेरा जो दिल है ना अजीब सा उसमें बेचैनी हो रहा था, उसको शांति महसूस हो रहा होता है, पर जो भी है मुझे पता है मेरा फॉल्ट है। बोल के ना वो अपनी आंखों को झुका लेता है और बोलता है कि आई एम सॉरी, और लंजन जो होता है ना कुछ नहीं बोलता है, वो वी विजन के लिप्स को टाइटली अपने हाथों से ऐसे दबा देता है, बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं कुछ मत बोलो, और साथ में कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मुझे ना फालतू के अपोलॉजीज पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जिसने मेरा बिगाड़ा है उसके साथ मैं डबल बदला लूँगा, डबल रिवेंज लूँगा। ये बोल के ना वो वे विजन को उठा लेता है और धीरे धीरे जहाँ पे जंग चंग खड़ा है ना वहाँ पे जाता है और जाके बोलता है उसे, पता है मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? और वे विजन जो होता है ना उसकी तरफ देख रहा होता है, जंग चंग जो है ना उसका चेहरा बहुत दर्द में होता है, उसके हाथों में दर्द हो रहा होता है, पर वो फिर भी पूछता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो,
सब कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा, कैलामिटी आएगी तुम्हारे ऊपर, तुम याद रखना। और जो वी विजन है वो मतलब देख रहा होता है लंजन की तरफ, लंजन जो है ना उसे बोलता है कि मैं अब उसे जिंदा रखने वाला हूँ और उसे तो सफ़र करने वाला हूँ, उसे दिखाने वाला हूँ कि वो कितना कुछ सफ़र कर सकता है। और जो वो क्या करता है, वो ऐसा बोल के वे विजन को ऐसे पकड़ता है, उसके चेहरे में ऐसे होता है ना देखते हुए उसके लिप्स को आपस में लिप्स में जोड़ देता है, उसे किस करने लगता है। और ये देख के ना जियांग चंग का चेहरा एकदम दर्द से भर जाता है, बोलते तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हें भगवान माफ़ नहीं करेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसे जाने दो। तभी वे विजन जो होते हैं ना मतलब वो सुन रहा होता है उसको, लंजन स्तब्ध हो जाता है, वो थोड़ा मतलब होता है ना वे विजन से अलग हटता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो बोलता है कि मुझे ये बात ना बहुत लोगों ने पहले बोली है, तुम्हें क्या लगता है तुम पहले हो, पर मैं देखो यहाँ पे बिल्कुल अलाइव हूँ और वेल हूँ, मुझे कोई पाप नहीं लगा है, मुझे कोई रेट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, उल्टा मैंने तुम्हें सफ़र करने के लिए होता है ना बांध कर रखा है, तुम मेरे मर्सी पे हो। वे विजन जो होता है ना मतलब वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो मतलब बस दोनों की तरफ देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी देखता है कि रंजन दोबारा उसके पास आता है, दोबारा उसे किस करने लगता है, और इस बार जो है ना वो एकदम लिप्स में अंदर मुंह में मुंह डाल के एकदम फ्रेंच वाला टाइप का किस कर रहा होता है। और ये देख के ना मतलब वे विजन थोड़ा कांप जाता है, कुछ भी हो वो अपने शिडी के सामने ऐसे ऐसे इंटीमेट नहीं हो सकता है, ऊपर से वो किस ऐसा कर रहा है कि वे विजन के मुंह से मुंह निकल रहा है, वो खुद को मुंह निकालने से रोक नहीं पा रहा है। और ये सोच के ना उसके चेहरे में और ज़्यादा शेम आ जाता है, और जंग जंग का मतलब चेहरा और आँख ऑलरेडी रेड हो गया होता है, उसकी आँखों से पानी गिर रहा होता है और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर मेरे शिजोंग को जाने दो। तभी जो रंजना है अपना किस कंप्लीट करता है और वो जाके जियांग चंग को बोलता है कि तुम इतना गुस्से में क्यों हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी इसके साथ ऐसा कुछ किया नहीं है, तुम्हें बताना चाहता हूँ मैंने इसके साथ और भी बहुत कुछ किया है, इससे बहुत ज़्यादा ही कुछ किया है, और इतना कुछ किया है कि मेरे नीचे ना शॉक कर रहा होता है, रो रहा होता है, मुझसे बैग कर रहा होता है, तुम्हें समझ में आया मैंने क्या किया है इसके साथ। ये सुन के जंग जंग कांपने लगता है, बोलता है कि तुम्हें डस्की पे बोलो, तुम वल्गर हो, बोल के गाली देने लगता है। और जलंधर होता है बोलता है कि जो भी है पर ये दुख की बात है कि वो मेरा है, वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता है। ऊपर से वो बोलता है कि ऐसे बहुत अच्छे मूड में हो, ठीक है इसलिए मैं तुम्हें जाने देना चाहता हूँ। और जब वे विजन देखता है कि जियांग चंग उसके साथ क्या करने वाला है, वो दो कदम उससे पीछे हट जाता है, पर जो लंजन है ना वो मतलब कुछ नहीं मतलब करता है, वो मतलब अपने हाथों से पावर करता है और वे विजन को अपनी बॉडी में अजीब से एक झटका, अजीब से एक पेन महसूस होता है, और वो पेन ऐसा हो रहा था ना कि वो चाहता है कि वे विजन जो है लंजन जो है उसे छुए। और ये सुन के बाकी सारे जो लोग होते हैं ना वहाँ पे प्रेजेंट, यानी कि लंजा और मतलब वीन, दोनों एक दूसरे को देख के स्तब्ध हो जाते हैं। और जो जंग चंग उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है, तो वो लंजा की तरफ देख रहा होता है कि क्या हो रहा है उसके बॉडी में। तभी वे विजन को अपनी बॉडी में अजीब से पेन महसूस होता है और मतलब वो मतलब उस कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ से वो भाग जाए, पर वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। अब जो है ना मतलब दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और जो इसी बीच में लंजन क्या करता है, वे विजन को उठाता है और वो लंजन की तरफ, लंजन जो है ना जियांग चंग की तरफ वे विजन को भेज देता है और उसके पैरों में जाके वे विजन गिरता है। और मतलब जो लंजन होता ना वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मजा, मैं अभी सिखाऊंगा, तुम रुको दो मिनट। ऊपर से जो वे विजन होता है वो बोल रहा होता है कि क्या हो गया, मैं क्यों इतना कमज़ोर पड़ जाता हूँ, जब भी लंजन नाराज होता है उसको मनाने के लिए मैं किसी भी हद तक गिर सकता हूँ, मैं ये बिल्कुल ही नहीं हूँ। पर जंग जंग करके भी क्या कर सके, वो मतलब खुद ही थका हुआ है। ऊपर से वे विजन जो है वो अपने, ऐसा लग रहा होता ना अपने फेट को, नसीब को अपना चुका है, और जियांग चंग को लग रहा होता है कि रंजन के अंडर में सब पावर है
और अपने अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे क्या होगा, अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मैं बहुत ज़्यादा ही रात को ना इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे नींद आ रही है, तो इसलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लग रही हो। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, देन बाय, थैंक यू।